सकती है। और ये नववर्ष न्यू कैलेंडर, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल द सनातनीस। भारतवर्ष की इन ऐतिहासिक धरोहर को इंट्रोड्यूस करते हुए मजा आ रहा है। ये है मक्केश्वर महादेव, ये है तेजो महा शिवालय। आपके हाथ में आप देख रहे हैं कुतुब मीनार, ये हमारा विष्णु स्तंभ है। आपके हाथ में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर है, बहुत जल्दी इस पर भी विजय प्राप्त हो। आपके हाथ में मथुरा को नहीं, मथुरा आप सामने देखिए, तरह आप यही मिलेंगे आप। ऐसे ही रहे कोई गल नहीं है, कोई नहीं, ऐसे ही रहना। लाल बत्ती क्रॉस करके होगा, लाल बत्ती के पास हाँ, वहाँ जितेंद्र होगा, देखो गेट के बराबर में बैठा होगा। देखिए एक बहुत ही बड़े परिवर्तनशील भारतवर्ष में इस समय हम उपस्थित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने आज से 4 साल पहले एक शुरुआत की थी जिसमें श्रीराम जन्मभूमि और ऐसी बहुत सी विवादित हमारी धर्मस्थलियाँ जिनको अतिक्रमण करके विधर्मियों ने वहाँ पर अपनी मस्जिदें बना दी और उनको अपना ठप्पा लगाया, जिस 800 साल में हमारा देश गुलाम रहा। तो उसकी एक पहल में हमने अपनी सारी धरोहरों को इंट्रोड्यूस किया था उस कैलेंडर में 4 साल पहले, ये बताने के लिए कि ये हमारी हैं और इन पर अब हमारा आधिपत्य होना चाहिए, ये सनातन धर्म की जो है धरोहरें हैं और ऐसे विशुद्ध स्थानों पर जो है विधर्मियों ने जो आकर के अनैतिक तरीके से उनको अपवित्र किया है, उसको पवित्र करके हम संतों का अब ये काम है कि उनको अपने वापस लेकर के आएँ और सेवा पूजा स्थल सब प्रारंभ करें। तो उसमें श्री राम मंदिर भी था और खुशी की और हर्ष की बात यह है कि इन 4 साल से पहले की हुई इस पहल में हमने श्रीराम मंदिर जो है हमारे पास, हमारे भगवान राम फिर से आ गए, हम उनको उनका स्थान दे पाने में सफल रहे। सभी सनातनियों का इसमें योगदान है, एक एक सनातनी भाई का, पूरे भारतवर्ष का नहीं अभी तो पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उनका इसमें योगदान है और ये भगवान प्रभु राम की ही बहुत बड़ी कृपा है। देवी के इन दिनों में नववर्ष पर हमने जैसा ये काम पहले किया था, उसके बाद फिर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहे, आंतरिक रूप से सारे साक्ष्य एकत्र करते रहे, उसके बाद अब हमने फिर इंट्रोड्यूस किया है। इस बार हमारे कैलेंडर में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं है क्योंकि हमारी वहाँ पर विजय हुई है और भगवान श्री राम जो है अपनी स्थापना की ओर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो मक्का मदीना है वो एक्चुअली मक्केश्वर महादेव है और कुतुब मीनार जो है वो विष्णु स्तंभ है हमारा। हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि की अब बारी है, योगी जी हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, हमारा विश्वास है कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी हमारा मंदिर निर्माण होगा। हमारी भोजशाला मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पर भी जो भी अतिक्रमण हुआ है, इसके साथ में हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, बहुत अच्छी पहल हो चुकी है, बहुत अच्छा कॉरिडोर है और अभी मेरे सुनने में आया था कि बहुत जल्दी उस मस्जिद पर भी काम होने वाला है। हमारे साथ में सबसे बड़ी बात जो है अभी यूपी में इधर तेजो महाशिवालय जो कि ताजमहल के नाम से आप लोग जानते हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो लव स्टोरी और सो स्टूपिड दे ऑल आस्क, दैट ऑल इज स्टूपिडिटी। सो आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स सनातन भाइयों को, बहनों को, अपने बच्चों को, खासकर युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को ये सब इंट्रोड्यूस कराते हुए मुझे बहुत खुशी है और उम्मीद है हम रहे ना रहें ये सारी धरोहर तक पहुँचने तक, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जो है संघर्षरत रहे और यहाँ सभी पर सनातन का परचम लहराए, जिसका अधिकार है उसको मिले, इसी के साथ हमने ये कार्यक्रम। कुल कितने स्थानों के मतलब कैलेंडर जारी किए हैं? इस समय हमारे पास ये 6 पेजेस हैं, हमने कहा 6 पेजेस हैं। एक जो हमारी श्रीराम जन्मभूमि थी उसको इस बार हमने हटा दिया क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मंदिर अब बन रहा है, वहाँ पर हमें जो है हमारी जीत हुई है और हमें सफलता मिली है सनातनी को। ये जो 6 है अभी हमने लिए हैं, आने वाले समय में मेरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और इतिहास को खंगालेंगे
और इस देश में कानून और संविधान के माध्यम से अपनी जगहों को फिर से अपने पास लेने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।